नमस्कार दोस्तों, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक यूजर गाइड बनाई है। मैंने यूजर गाइड का मैं वीडियो आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। इसमें हमको जो ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, उस डिजिटल सिग्नेचर का बहुत ही सिंपल जो प्रोसीजर है, लाइन बाई लाइन, या मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उस पीडीएफ को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को देख के आप अपने सारे जो डीएससी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लाइन बाई लाइन एक हम स्टेप फॉलो करेंगे। ये कुछ 15 पेज हैं मेरे एक पीडीएफ में। हम एक एक पेज आप अपना, ये सभी लोग मेरे चैनल पे, ये मेरा पहला वीडियो है, इस वीडियो के लिए सभी लोग लाइक और शेयर करें। जिसको भी समस्या आती है वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे समस्या बताएं, जिससे कि मैं आपकी समस्या का और अच्छे से समाधान कर सकूं। ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये सीआर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर है, और एक हार्डवेयर भी होगा। तो हमें सबसे पहले फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है वो हमें डाउनलोड करना होगा, और वो डाउनलोड हमें जब हम करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा, हमारा जो वर्जन है 49.0.01 ही होना चाहिए। ये एग्जैक्टली हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और हम जब ये डाउनलोड करेंगे फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स सर्वप्रथम, ठीक है? तो अभी देखेंगे आप। और हम कब, जब हम ये डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या रहेगा, हमें इसका ऑटो अपडेट जो ऑप्शन है उसको अनचेक करना पड़ेगा, ठीक है? इसको अनचेक करने के लिए हमें ये देखते हैं, हम तीन डंडी रहती हैं, तीन डंडी से हमें ये तीन डंडी बनी हुई है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तीन डंडी पर, तो कुछ हमें ऐसा एक विंडो खुलेगा ऑप्शंस करके। उस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से एक फायरफॉक्स का वर्जन चेक करें, अपडेट को बंद करें, नेवर चेक फॉर अपडेट पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखेंगे हम, इस टाइप से हमें एक पेज, अगला पेज जो खुलेगा वो इस टाइप से पेज खुलेगा। उस पर हमको कहाँ क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है नेवर चेक फॉर अपडेट, या इसमें क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल अपडेट, इसको हटा के हमको किस पे लाना है, जो मैंने रेड गोला बनाया है इस पे हमको क्लिक करना है। ये बहुत ध्यान रखना है हमें। और ये जो हमारा फायरफॉक्स का, मोजिला फायरफॉक्स का वर्जन है, ये आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली, ये मैं और हाईलाइट कर देता हूँ, हमको ये वाला वर्जन 32 बिट का वर्जन है, ये डाउनलोड करना है, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। जब हमारा ये फायरफॉक्स डाउनलोड हो जाता है तो हम पेज नंबर, अगला जो पेज है उस पे हम देख पा रहे हैं, अगर पहले से फायरफॉक्स हमारा इंस्टॉल है तो उसको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको पता है, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और उसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद अगर पहले से है तो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। यूएसबी सिग्नेचर को ईएसबी मोड, फिर हम क्या करेंगे, जो डिजिटल सिग्नेचर की डिवाइस है वो पेन ड्राइव जैसी डिवाइस रहती है, उसको हम यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे, और यूएसबी पोर्ट में लगाने के बाद हम रन कराएंगे। रन कराने के बाद फिनिश हो जाएगा पूरा सेटअप। फिर हम जो देख पा रहे हैं, तो इनमें हमने अभी एक प्रोसीजर फॉलो किया है, इसके अलावा मैं एक और प्रोसीजर रहेगा उसको भी आपको बता दूंगा। तो हम ये सब ना करके हम अगर चाहें तो जो डीएससी डिवाइस है उससे भी हम सर्टिफिकेट को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। फिर उसको हमको सेव करने के बाद, और हमें ये देखना है
जो सिक्योरिटी टैब है जावा स्क्रिप्ट का, उसमें हमको तीन यूआरएल जोड़ना है। तीनों यूआरएल जोड़ने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर से एक जो देख पा रहे हैं हम लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें इस टाइप से ये फिल करना आ जाता है। अब सभी लोगों को हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एसीआर पर हम जब भी क्लिक करेंगे डिजिटल सिग्नेचर के लिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। पॉपअप खुलेगा, हमें पॉपअप को हमको क्या करना है, कंटिन्यू जो ब्लॉकिंग है इस पर क्लिक नहीं करना है, इसको हमको अलाउ रिमेम्बर करना है। जब हम अलाउ रिमेम्बर करेंगे, तो अलाउ रिमेम्बर करने के बाद जब हम फिर इस पेज को देख पा रहे हैं, हम फिर से डिजिटली साइन पे क्लिक करेंगे, फिर ये हमको सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने का बोलता है। हम सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे तो एक सर्टिफिकेट खुलेगा। ये सर्टिफिकेट पर हम जैसे ही है पिन डालेंगे, जनरली इसका पिन है बाय डिफॉल्ट 1 से लेके 8 तक का, 1 2 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक डालेंगे और लॉगिन करेंगे हम, साइन सक्सेसफुली आ जाएगा और आगे का प्रोसीजर है। और ये दोस्तों कैसा लगा वीडियो, या मेरा पहला वीडियो है, और अच्छे से मैं वीडियो डालूँगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो ज़रूर आप मुझे भेजें। धन्यवाद, आर के दांगी चैनल में को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।